तो भाई लोग अपनी तो बहुत बढ़िया तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई बहुत ज्यादा। सब भाई हमारे साथ ही हैं। अभी देहरादून को हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं अभी, जैसा कि देख सकते हैं अभी आईसीयू से मैं बाहर आया हूँ। बस अभी देखते हैं अगली जगह क्या करना है, अभी आदत बिल्कुल भी नहीं है व्लॉग शूट करने की। शाम भाई हमारे लिए मेहनत करता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बेचारे। तो भाई हमारी छुट्टी हो चुकी है, शाम भाई पूरा मतलब हमारा सामान वामान सब समेट रहे हैं यहाँ पे। क्यों है शाम भाई? भाई भी जाने की तैयारी है, अभी मैंने पूरा मतलब हाथ वगैरह को साफ कर दिया, यहाँ पर मेरे कैनूले लगा हुआ था। और भाई देखते हैं आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई हुई फिलहाल तो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया यार, अपना हॉस्पिटल से बाहर सब हमारे साथ, अभी बस हॉस्पिटल से बाहर आगे अभी देखते हैं रिश्तेदारों में जाएंगे थोड़ा। पर हॉस्पिटल से भाई थैंक गॉड कि आज हमारा मतलब छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, अभी चल रहे बाहर की तरफ, मिलते हैं बाहर जाकर। आगे आगे पापा जी जा रहे हैं, मम्मी सब ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, हमारा सामान सब उठा लिया है यहाँ से हमने, यहीं पर स्टे कवर करा हुआ। भारी सामान रखा भी फिलहाल, गाड़ी में सामान रख रहे हैं सब अपना, जितना यहाँ पे लाए देते हैं सब रख रहे हैं। तो शाम भाई भी रख रहे हैं। अंदर बैठ गए भाई, अभी कार चला रहे हैं। दानिश मिलने जा भाई को, दानिश और है। तो शाम भाई जा रहे हैं एक्टिवा से, अभी मिलते हैं बाहर जाके हॉस्पिटल से। ले रहा है पर्ची कटी हुई है, मेडिकल पे दवाई ले रहे हैं। पहुंच गए थे पर्ची के लिए भाई, ऑलमोस्ट मैं चलांगा था दूसरे निकलने वाले हैं हॉस्पिटल से बाहर। कहां करूं भाई, मतलब बहुत बुरी हालत है भाई मेरी तो। लगाने बंद देना यहाँ से भाई, कितना बड़ा एक हॉस्पिटल है। भाई नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई यहाँ पे, देखो कितना कमज़ोर हो गया, काला भी हो गया बिल्कुल। अभी बस खाना वाना खाएंगे और मिलते हैं खाना खाने के बाद। अभी जा रहे हैं हम आंटी के घर, और आंटी के घर जाने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। की तरफ का गेट ही नहीं खुल रहा, हाँ खुलता नहीं पहले ही बंद हो गया था भाई, गेट ही नहीं खुलता। पहले भी हम इसी कार में आए थे देहरादून, तो भाई गेट ही नहीं खुलता इस गाड़ी का। अभी देखते हैं क्या करना है, कैसे खुलेगा गेट। गेट देख लो, खोल के दोबारा खुल नहीं रहा भाई। गेट खोलने की पूरी कोशिश कर रहे भाई। भाई देखो तो मेरी हालत मैं बता नहीं सकता कुछ भाई, बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई भाई। दोबारा जितनी मेहनत की थी ना अपने लिए, उतनी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अब, मतलब पूरी मेहनत दोबारा होगी अब। जिम वगैरह खिलाई पिलाई, बस यार आप सब लोगों की दुआ ने बचा लिया भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो हॉस्पिटल के बाहर हूँ मैं बस, अभी वो मेडिसिन वगैरह लेने गए हैं पापा जी, पापा जी के आने का वेट हो रहा है। थंबनेल का एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ पर और फिर चलते हैं कार के अंदर दोबारा से आंटी के रूम पे, चलते हैं अंदर।
hours later. तो भाई आंटी ये घर से निकल गए अभी, अभी चल रहे मामा के घर. मामा के घर जाऊंगा अभी, बैठते हैं अपनी कार के अंदर और फिर जाएंगे अपने घर बस, और रेस्ट वेस्ट करेंगे. बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, व्लॉग शूट करने की हालत नहीं थी लेकिन व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं. तो वही मामा के घर आ गए हैं अभी. मामा को अभी पूरा एक्सप्लोर करते हैं, मामा को नीचे जाना है. भैया भी जा रहे हैं नीचे की साइड. भाई अभी फ़िलहाल मामा के घर पे हैं और मामा का घर मैं फुल घूमती हूँ. भाई इस घर में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मामा के. बहुत ही ज़बरदस्त घर है, बहुत ही बढ़िया है. और भाई पूरा पीछे का व्यू देखो आप, अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहा हूँ मैं. पीछे भी लोग मतलब बर्फ़ वगैरह साफ दिखेगी पड़ी है. बिल्कुल मसूरी के पास ही है, बस मसूरी रह जाता होगा यहाँ पर 10-15 किलोमीटर मुश्किल से. भाई पिक्चर का भी मतलब बहुत ही अच्छे एरिया में आएगा अभी. अभी देखो कितना अच्छा एरिया है भाई. A few inches later. तो भाई मतलब तेरा दोस्त है वो गए मुझे पूरे दो दिन बाद ही. मैं व्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी जा रहे हैं हम थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, व्लॉग इसी में कंटिन्यू रखेंगे. और पापा जी ने कहा कि तू थोड़ा बीमारी में तो उठाया है, इसी वजह से थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करिया. और घर में कुछ शादी भी है, इसी वजह से मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ भैया के साथ. भैया हमारे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, बस अभी कहते हैं शॉप के पास कोर्ट रोड की साइड हम जा रहे हैं. वहीं पर जाके कोर्ट रोड की साइड फिर मिलते हैं शॉप पर जाके. तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं शॉप के पास. शॉप का नेम है कलर्स और अभी चलते हैं अंदर. तो भाई अपन अंदर ट्राई करने के लिए आए हैं ट्राई रूम के अंदर. ये अपन कॉस्ट्यूम है, ड्रेस जो अपने सेलेक्ट की है. अभी बस ट्राई करके हम सबको दिखाते हैं कैसी आई. तो ये फाइनल लुक अपना. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लुक आया है इसमें. हम चलते हैं बाहर और भैया से पूछते हैं कैसी लगी इनको. चलते हैं अभी बाहर. भाई लोग भैया कह रहे हैं ये वाली जीन्स पे ट्राई करके आओ, ये जीन्स ज़्यादा अच्छी है इस वाली से. और अभी ट्राई करते हैं इस वाली जीन्स को, अभी ट्राई करके आप सब लोगों को दिखाते हैं लुक कैसा आता है इस वाली जीन्स में. यह है देखो भाई नेक्स्ट जीन्स का लुक यह है अपना. मुझे बताना पहले वाली अच्छी लगी ज़्यादा या ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी है. एक लुक अभी और आया है भैया, ये जैकेट और ये इसके नीचे का टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट एंड जैकेट. इसको भी अभी ट्राई करते हैं, पेयर करते हैं अपने ऊपर, तो देखते हैं कैसा लुक आता है. फाइनल लुक आप देख पा रहे हैं भाई. ये आया अपना फाइनल लुक इस वाले कॉस्ट्यूम का. भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो बात है बहुत ही अच्छी है. देने के बाद पैसे बढ़ते थे और भाई देखो लुक भी बहुत अच्छा है. तो भाई लोग हमने फाइनल किया है ये वाली जैकेट, और जो इससे पहले स्वेट दिखाई थी वो वाली फाइनल की है. और अभी चलते हैं और अभी जाएंगे शूज़ वगैरह लेने के लिए. मिलते हैं वहीं पे जाके, अभी देखते हैं इसका बिल पे करते हैं. तो भाई फाइनली शॉपिंग हो गई है कपड़े की, क्लॉथ वगैरह सब ले लिया है कलर्स वाले के यहाँ से. बस अभी चलते हैं शूज़ लेने और शूज़ देखते हैं कौन से लेने हैं. भाई ये वो हैं 6,500 रुपये के 4 पीस. इसमें एक स्वेट है, 2 पैंट है और एक है इसमें गरम जैकेट जैसी मैंने पहन रखी है पर वाली, इस टाइप की कुछ है. और भाई लेकिन अच्छी है जो भी है. भाई निकल गए हैं अभी शूज़ वाले की तरफ, अभी चलते हैं बस शूज़ लेने के लिए और मिलते हैं शूज़ वाले की शॉप पे जाकर. भाई फाइनली पहुंच गए हैं, शू हटा लो गए हैं, भैया पीछे खड़े हैं और अभी चल रहे हैं अंदर, देखते हैं शू कौन से लेने हैं. आ गए अभी वहाँ पर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए शूज़, बेकार से लग रहे थे वहाँ तो, ट्रेंडिंग शूज़ नहीं थे. अभी चल रहे कहीं और, हम वहीं पर जाके मिलते हैं एंड द शू स्टूडियो में.
अपना कलेक्शन लग रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं भाई अभी अंदर ये क्या दिखाते हैं भाई कलेक्शन। अच्छे अच्छे देख रहे हैं वैसे तो। अभी देखते हैं शूज। अच्छा तो दो शूज के आर्टिकल है, देखते हैं इनमें से ट्राई किया है अभी। ये वाला ब्लैक, लेकिन यार ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ब्लैक ना, कुछ खास नहीं लग रहा है भाई। वहाँ पे भी पसंद नहीं आया कोई भी शूज, शूज में बहुत दिक्कत हो रही लेने में। अभी चलते हैं कहीं और मिलते हैं शूज की शॉप पर जाकर। शॉप पे ऊपर की साइड जाने हैं, ऊपर चल के देखते हैं। Many months later. शूज वगैरह सब ले लिए। Oh my God! Wow! शूज भी दिखाऊंगा घर जाकर, अभी तो नहीं दिखाया मैंने, घर जाकर दिखाऊंगा शूज कौन से शूज लिए हैं। और बस लोग को जब ये एंड करेंगे, जब आपको शूज दिखा देंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और भाई अब भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मैं बता नहीं सकता। बस मैं मतलब दोपहर से शॉपिंग के लिए निकला हुआ हूँ और अब जाके मेरी बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई, इसी वजह से आपको मेरी आँखें भी दिख रही होंगी। बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील कर रहा हूँ मैं, इतनी वीकनेस आ गई कि मेरे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो चलो अभी चलते हैं अपने घर और घर जाके आप सब लोगों को शोज दिखाता हूँ मैं और फिर भी लोग को करेंगे एंड। तो भाई फाइनली दिखाते हैं हम आपको अपने शूज़ ये हैं भाई रिबॉक के, इनको अभी सही तरीके से दिखा दूँ आपको। ये है भाई शूज़ रिबॉक के भाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा कपड़ों का और शूज़ का कलेक्शन। अभी मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक शूज़ और लेना चाहिए, कैनवास का मुझे एक पसंद आया था शूज़, वो भी देखेंगे अगर लेना होगा तो। तो भाई ये अपने रिबॉक के शूज़ है और बाकी आपको जो क्लोथ्स हमने परचेज़ किए थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। तो भाई लोग अभी करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। व्लॉग अगर अच्छे लगे तो व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, अभी के लिए